भारतीय किसान यूनियन ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि इनकी मुख्य मांगों में नई चीनी मिल, गन्ना का मूल्य वृद्धि, किसानों की सिंचाई हेतु मुक्त बिजली की व्यवस्था, निजी नलकूपों में मीटर लगवाने, ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी परिधि की जमीनों पर पशुशालाएं बनवाए जाने और एमएसपी गारंटी कानून बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम भारतीय किसान यूनियन ने एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव को सौंपा ज्ञापन। देखिए, आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश के हर जनपदों में मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य मांगे यह थी कि गन्ना का प्रायश्चित चालू हो गया है, लेकिन गन्ने का मूल्य जो है नहीं बढ़ाया गया है। कम खेती की लागत को देखते हुए 500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित किया जाए। दूसरी यह समस्या है कि पूरे प्रदेश में छुट्टा पशु और नीलगाय, जंगली सुअर का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोग सब्जी की खेती तो करना ही छोड़ दिए हैं, मटर चना बोना ही छोड़ दिए हैं, गेहूं की खेती भी करना अब हम लोगों को कठिन हो गया है। जाके देखिए गांव में छुट्टा पशु जो है चल रहा है, जिसकी गंभीर समस्या बनी हुई है जिले में। तीसरा है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बनाए हुए काफी दिन हो गया, लेकिन आज तक कोई सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जिससे किसानों की आय दुगुनी हो सके। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग आज कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। और देवरिया में इसके पहले जो है, जब यहाँ नगर पालिका का चुनाव था, तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि यहाँ जो है एक चीनी मिल लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया, कोई पहल चीनी मिल के लिए नहीं की जा रही है, जिसके संबंध में भी हम लोगों ने ज्ञापन में मांग किया है। और हर खेतों में जो है पहले की बात जो है 300 मीटर तक किसानों को जो है बिजली कनेक्शन पहुँचाया जाता था, और इस सरकार ने जो है किसानों को जो है बिजली का कनेक्शन ही देना छोड़ दिया है। तार पहुंचाने की कौन सी बड़ी बात है, ऑनलाइन करने पर भी जो है इससे बड़ा आंदोलन होगा। अगली बार जो है सड़क पे जो है काफी बड़ा आंदोलन किसान करेंगे।